भाई देखो कैसी नदियां बह रही हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, और बाई चांस दूसरे पे भी इन्होंने आर्नी लिख दिया, वाह वाह वाह। ये बस ये गलत हो जाता है बस। लास्ट वाले वीडियो में काफी लोगों ने पूछा कि ये 13 नंबर का क्या है, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मॉर्निंग गाइस, दिस इज रानी एंड वेलकम टू डोबो एक्सट्रीम। अभी सुस्ती आ रही है, आंखों में नींद है, ऑनेस्टली बताऊं जस्ट उठ के सीधा आ गया हूं ब्रेकफास्ट करने। और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब मैं हेल्दी होऊंगा एंड फिट होना है 6 महीने के अंदर। हियर इज द हेल्दी मील, सुपर फूड कहते हैं इसको वैसे। मिस्टर फिट सिंह पे चले जाना इंस्टाग्राम पे, मेरे दोस्त हैं वो बताएंगे। एंड दिस इज कॉफ़ी एज यूजुअल, टर्बो कॉफ़ी विद सुपर फूड। स्टार्टिंग आज की यही रहेगी एंड उसके बाद से ना लंच होगा। तो अभी का प्लान यही है एंड अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। रास्ता होने वाला है काफ़ी लंबा। कितना होने वाला है सर? करीब अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स ना। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 9-1 घंटे में पहुँचेंगे, है ना? समवेयर एक्चुअली जब ग्रुप में आप होते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो भीमताल से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी देर से मैं राइड कर रहा हूँ। बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को लगा कि पहले ही थोड़ा बहुत ब्लॉक कर लूँ। दिल्ली वहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 292 किलोमीटर्स, और तो टाइम हो रहा है 12:25 मान लो आप। और मेरे हिसाब से हम पहुँचेंगे शाम के 6 से 7 बजे, क्योंकि ग्रुप राइड में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे अब हम खड़े हुए हैं 2 RR वाले और बाकी सारी बाइक्स पीछे हैं, तो जैसे जैसे बाइक्स आएंगी आगे निकलेंगी फिर हम उनको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड उसके बाद जाके ये राइड ख़त्म होगी। तो बीच में भी एक लंच स्टॉप भी है एंड देखते हैं मतलब अभी राइड कैसे रहने वाली है। वैसे ऑल एंड ऑल मज़ा आ रहा है। पहाड़ों वाली सारी राइड मैंने कवर कर ली है ऑलरेडी। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि जाते टाइम वैसे भी सेम रास्ता था, तो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, मतलब आप एक व्लॉग पहले देख चुके हो। तो लेट्स कवर इट गाइस, देखते हैं कितनी देर लगती है यहाँ से दिल्ली पहुँचने में। देर हो गई यार, बिल्कुल सुपर स्पीड पे चलाते हुए, और मैं काफ़ी थक गया हूँ। सच बताऊँ काफ़ी थक गया हूँ। फ्यूल ख़त्म होने वाला है, 39 रेंज दिखा रहा है, फ्यूल पूरा ख़त्म हो गया है। और टाइम हो रहा है 2:19, मुझे नहीं पता पीछे वाले कितने पीछे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम एटलीस्ट एक बार बैठ जाएँ और थोड़ा सा गियर डाउन करें और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएँ, रिलैक्स करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा देर हो गई हाइपर राइडिंग करते हुए। कैमरा मैंने ऑन नहीं किया बिकॉज हम चलाए जा रहे थे और कंटिन्यूसली चलाए जा रहे थे और बाइक रोक ही नहीं रहे थे, मतलब बिल्कुल कहीं रुके ही नहीं। हम पूरा रास्ता कवर करते हुए आ गए। मैं एंड S1000 RR M Pro, मतलब अपनी ब्लैक पासिया और S1000 RR M Pro दोनों ही बिल्कुल लगातार, उनकी बाइक में GPS लगा हुआ था एंड GPS लगे लगे में हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। तो अभी ढूंढ रहे हैं कि कोई मैकडी, KFC, बर्गर किंग या कुछ मिल जाए जहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार बैठ पाएँ और रिलैक्स हो पाएँ, बिकॉज अब मेरी नेक में भी पेन होना चालू हो चुका है और काफ़ी हद तक हो रहा है। मैंने अभी क्रूज ऑन और ये कर दिया 103 पे। लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये 13 नंबर का क्या है सीन। वही 13 तारीख को तमन्ना का बर्थडे आता है और मेरा लकी नंबर भी 13। शायद लोगों को नहीं पता होगा पर मेरा लकी नंबर ही 13 है। एंड शाउट आउट टू तमन्ना एंड कुचू द लायन। तो KFC का बोर्ड क्या 15 मिनट की दूरी पे। अब 15 मिनट हम कितनी देर में कवर करते हैं ये तो पता नहीं, बट
आई एम फास्ट एंड फ्यूरियस गोइंग टू KFC. वैसे ऑल दो मुझे KFC कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. KFC इज़ गुड फॉर नॉन वेज. मैं तो प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ भाई. हाँ ये समस्या है रे, क्या बोलने का. फ्यूल डलवाने का टाइम आ गया भाई. 29 किलोमीटर बोल रही है भाई. और शारिक भाई की मेरे ख्याल से भाई और ज़्यादा कम बोल रही है. तो आई विश, वैसे बोर्ड्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं. अगर बर्गर किंग का कोई बोर्ड नज़र आ गया तो बर्गर किंग पे ही रुकेंगे, क्योंकि वेज बर्गर बर्गर किंग के बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं. आई पर्सनली बिलीव दिस. बाकी अपनी अपनी चॉइस. तो फाइनली भाई हम पहुँच गए यहाँ पे स्टारबक्स एंड KFC. तो कॉफ़ी टाइम, टर्बो कॉफ़ी एंड फुल ऑन कॉफ़ी टाइम. A few moments later. भाई यहाँ गियर, हाँ जी कैसी हालत हो रही है. थकान हो गई ना बहुत ज़्यादा. थकान इसलिए हो गई कि बाहर का जो मौसम है ना आज बड़ा ही गंदा हो रहा है, बहुत गंदा. ये खड़ी अपनी बाइक्स, ये देख लो तेरी क्या जूम आया है. ओह, तो दोनों को छाया में खड़ी करके आए हैं ताकि थोड़ी सी और ठंडी हो जाए. एंड अब करते हैं थोड़ा ऑर्डर. अभी तो बैठ गया हूँ रिलैक्स करने के लिए एक बार, क्योंकि बहुत ये देखो ये मतलब मेरी टी शर्ट से पता लग रहा होगा, अलग से ही नज़र आ रहा है इस टाइम पे. तो गर्मी हो रही है बिल्कुल फाट. बट अभी थोड़ा सा एक चीज़ अच्छी है कि आगे जो सिटिंग है दिस इज़ बिट कम्फर्टेबल. और हमारे जो पीछे राइडर है कितना दूर है भाई अपने से, करीब करीब एक घंटा. एक घंटा लगेगा. एक घंटा लगेगा ना. तो ऑलमोस्ट हम एक घंटा पहले पहुँच गए हैं. एंड लेट्स ऑर्डर समथिंग. तो ये आ गया आज का अपना मतलब ड्रिंक. तो ये रहा आर्नी. और बाई चांस दूसरे पे भी इन्होंने आर्नी लिख दिया. तो एक तंदूरी पनीर सैंडविच, एक चटपटा पराठा रोल. और मेरे ख्याल से इतने में काम हो जाएगा दिल्ली तक का. तो और दिल्ली अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. कितना है करीब, 130-140 किलोमीटर है ना. 130-140 किलोमीटर, 130-140 किलोमीटर्स मेरे ख्याल से बहुत कम्फर्टेबली भी जाएंगे. तो दो घंटे ट्रैफिक ट्रूफिक भी मिलेगा तो शायद दो ही घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे बड़ा आराम से. तो फाइनली बाइक स्टार्ट है. 17 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है. ये रहा स्टारबक्स, खा पी के मज़ा आ गया. ये रे भाई यहाँ पे मिल गए, टर्बो फैमिली. एंड बस यहाँ से चलते हैं, पहले फ्यूल डलवाते हैं. उसके बाद सबका प्लान ये हुआ है, सारे निकल गए कि आगे आगे मोगा पे रुकेंगे. मोगा है समवेयर 7-8 किलोमीटर यहाँ से. एंड फ्यूल पंप है यहाँ से 2 किलोमीटर. तो पहले फ्यूल, उसके बाद मोगा पे सब बैठते हैं फिर से एक साथ. वैसे हमें करीब करीब एक घंटा हो गया, 15:42. ऑलमोस्ट एक घंटे बाद पहुँचे हैं सारे के सारे. बट हमने रिलैक्स कर लिया, थकान वकान उतर गई. एंड ये चीज़ थोड़ी अच्छी हो गई, बेटर हो गई. चलो जी भाई. तो एक चीज़ अच्छी हो गई, यहाँ पे मिल गया हमें XP 95. हाँ, तो 1300 रुपये का फ्यूल. तो ऑनेस्टली बताऊँ, अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि थोड़ी थोड़ी ना घबराहट होनी चालू हो गई है. 860 किलोमीटर मेरी बाइक दिखा रही है. और अभी मेरा जो घर है मतलब अपना घर है वो 151 है. तो 860 मतलब 1000 किलोमीटर प्लस हो जाएगी आज में बाइक, एक अच्छी चीज़ हो जाएगी. और मेरा मोटिव यही था कि मैं इस ट्रिप पे 1000 किलोमीटर चला लूँ और उसके बाद सर्विस करा लें, ताकि ये एक तो 8000 RPM तक जा रही है वो खुल जाए. अब 8000 RPM तक भी मतलब ये एक्चुअली बहुत ब्रूटल चलती है. बट जैसे ही 8000 RPM खुल जाएगा और कंप्लीट 14000 RPM तक जाएगी तब आएगा असली वाला मज़ा. प्लस उसके बाद तब लगेगा एग्जॉस्ट. मोटिव जो था वो मोटिव क्लियर है कि इस ट्रिप पे आने का, कि इस ट्रिप पे मेरी बाइक चल गई अच्छी खासी. अराउंड अराउंड सही बताऊँ तो करीब करीब शायद 150-160 किलोमीटर चली हुई थी और करीब 850 किलोमीटर का ये मेरा पूरा ट्रिप हो गया. तो ये जो अभी गियर शिफ्टिंग मुझे 7000 RPM करनी पड़ रही है ना, वो गियर शिफ्टिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और फन हो जाएगा ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा. तो टाइम हो रहा है 6:20 और मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे. अब ये नोएडा जा रहा है, पीछे वैसे एम्स था मेरे, सामने कुतुब मीनार जाएगा, राइट में एयरपोर्ट. तो मैं यहां से राइट मुड़ूंगा, राइट मुड़ के सीधा रिंग रोड से निकलेंगे. एंड रिंग रोड से निकलते हुए अपना सीधा गुड़गांव पहुँचेंगे. तो मेरे ख्याल से मेरे जो पीछे राइडर्स चल रहे थे वो काफ़ी पीछे रह गए होंगे. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि अभी वो कहाँ पे हैं. बट मैं काफ़ी स्पीड में निकलता निकालता आ गया
50% ट्रैक्शन अगेन मैं यूज़ कर चुका हूँ। ब्रेकिंग देख लो कितनी सॉलिड यूज़ की है। जो अपन हाइपर राइडिंग करते हैं तो ब्रेकिंग इतने लेवल तक यूज़ हो जाती है, एंड दैट्स अ बिग बिग नंबर मतलब ब्रेकिंग में। वैसे बाइक चलाने में पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, 978 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, एंड दैट्स अ बेस्ट थिंग क्योंकि हाँ 1000 किलोमीटर होते ही अपने लिए हो जाएंगे मज़े, और फुल ऑन मज़े होने वाले हैं उसके बाद। A few moments later, guys, अपनी बाइक चल चुकी है 999 किलोमीटर्स। तो अब finally 1000 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, एंड सक्सेसफुली होने वाले हैं। I'm loving this। अगर मैं आगरा चला गया होता तो डेफिनेटली पहले हो जाते, बट ये वाला ट्रिप रहा मेरा बहुत ही ज़बरदस्त, और ये बस मैं रोकने वाला हूँ 999 और हो जाए भाई 1000। बिल्कुल ये हो गए भाई 1000 किलोमीटर, और फर्स्ट क्लास 1000 किलोमीटर अपन ने पूरे कर लिए हैं। लो गाइस देख लो 1000 किलोमीटर पूरे हो गए, एंड टेंशन ख़त्म। फाइनली ये बाइक अब अपन सर्विस करा सकते हैं, एंड इसकी जो RPM लिमिट है वो हट जाएगी, प्लस रिस्ट्रिक्शन सारे खुल जाएंगे, प्लस एग्जॉस्ट भी अब अपन लगा सकते हैं इस पे। इस बाइक का जो RPM रेंज है वो RPM रेंज में यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 8000 RPM पर चलती है, वो इतनी ब्रूटल चल रही है। ये अगर ये नॉर्मल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके बाद तो पागल ही कर देना मैंने इसको, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा दिस इज सो इजी टू राइड, मतलब मेरे को 1% भी ऐसी फीलिंग कहीं पे नहीं आती कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। और ये हर एक किलोमीटर, इस 1000 किलोमीटर का ना मैंने इस पे इंजॉय किया है, फुल ऑन इंजॉय किया है। तो एनीवेज मैं घर पे पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया अब, और घर पहुँचते हैं थोड़ा सा अब रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मेरी नेक में हल्का हल्का पेन होना चालू हो चुका है। तो यार ये बस ये गलत हो जाता है बस, आई हेट ट्रैफिक जैम्स। सर्विस ड्यू हैव सर्विस परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट वर्कशॉप। अच्छा चलो भाई ठीक है, ओके डन। अब ये इसके अंदर एरर आती रहेगी, ये ऑरेंज जो साइन जल गया है ना, ये बेस्ट चीज़ है BMW की, ये ऑरेंज साइन जल जाता है, एंड साइन जल गया मतलब अब आपको इसकी सर्विस करानी है, तभी ये साइन जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आप जब भी चलाओगे ना इसको तो ये दिखाता ही रहेगा कि हाँ भाई बाइक के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई अभी भी। वे टू ब्रूटल जो अपने पास पुरानी वाली है 1000 थी उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसकी और उसकी पावर में, मतलब वो बहुत पावरफुल थी पर ये बिल्कुल पागल मशीन है। और सच बता रहा हूँ इस टाइम पे इसकी पावर आधी है, आधी, अब सोचो ये अभी आधी है, जब पूरी हो जाएगी तो क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है। भाई देखो कैसी नदियाँ बह रही हैं, ओहो खतरनाक नदियाँ बह रही हैं ये तो। 2000 years later. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब अगर आपका कैमरा एंगल सेट ना हो ऐसे, अब कैमरा एंगल सेट नहीं है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो ये फ्रेम दिख रहा है जिसमें आगे रोड नहीं दिख रही, जिसमें स्पीड अच्छी खासी है पर ये सिर्फ फोकस हो रहा है मीटर फोकस। एंड ये प्रॉब्लम हुई ऐसे कि मैंने लिया ये नया GoPro, एंड GoPro की सेटिंग अच्छे से नहीं की। अब नॉर्मली जब अपन GoPro यूज़ करते हैं तो हम करते हैं वाइड पे, यस एग्जैक्टली वाइड पे, बट इस वाले कैमरे में होता है सुपर वाइड। फिर एक और प्रॉब्लम है कि S1000RR जो अपनी ब्लैक माफिया है उसका हैंडल और जहाँ मैं बैठा होता हूँ वो काफ़ी पास में है, जैसे अगर हायाबूसा की बात करते हैं तो हायाबूसा का हैंडल थोड़ा सा दूर होता है और कहीं ना कहीं आपका जो GoPro का एंगल होता है वो थोड़ा सा और वाइडर ले लेता है, मतलब स्पेस ज़्यादा ले लेता है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसमें अब ये आ गया वाइड,
ये आ गया लिनियर, अब ये देखो ये आगे फ्रेम देखो ये वाइड, और यहाँ पे आ गया एक सुपर वाइड। तो ये कैमरा सुपर वाइड पे नहीं था, वाइड पे था, और इसलिए पूरा का पूरा व्लॉग का जो मज़ा था, जो हाइपर राइडिंग थी ना, वो प्रॉपरली दिख नहीं पाई। बट येस, अब मैंने इसको ठीक कर लिया है। एंड अब ये चीज़ क्या थी कि ये आने के बाद ही हो सकती थी, उससे पहले हो नहीं सकती थी, बिकॉज मैं जब वापस आया हूँ तभी मैंने सिस्टम पे फाइल्स देखी, वीडियो देखा, एंड पता लगा कि हाँ भाई ये भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि जब अपन नए गैजेट्स लेते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, स्पेशली जब इस इतनी ताबड़तोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ की मतलब बिल्कुल ही मेरा गोप्रो रास्ते में उड़ गया, मेरे को सेकेंड डे ही मैंने मंगाया दिल्ली से, 47,000 rupees का नुकसान भी हुआ, एंड एवरीथिंग वॉज देयर, बट स्टिल गोप्रो अपने हाथ में आ गया। अब हाथ में तो आ गया, बट मैंने नॉर्मल सेटिंग्स तो कर ली, जैसे वीडियो सेटिंग्स कर ली, 1080 ऑन ऑब्लिक 60 मैंने कर लिया, ऑल दो आजकल मेरे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं सारे 4K पे आ रहे हैं, बट ये सुपर वाइड मैं करना भूल गया, इसको सुपर व्यू कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, सुपर व्यू करना भूल गया, एंड थोड़ा बहुत मज़ा ख़त्म हो गया। बट मज़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मज़ा भी और बढ़ने वाला है, बिकॉज फाइनली बाइक 1000 kilometers हो गई है, एंड अब आने वाला है और ज़्यादा मज़ा, मतलब और ज़्यादा फन। तो अगर सब कुछ अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड कभी भी ऐसा कोई गैजेट खरीदो या कोई भी गैजेट अपग्रेड करो तो अच्छे से पूरा तरीके से चेक कर लो, उसके बाद ही यूज़ करना चालू करो, नहीं तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। मिलते हैं गाइस एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।